हाय गाइस, आई एम अजर। आपके अपने चैनल टेक टोजर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, अभी तक हम जियो को फुल एंजॉय कर रहे थे और अचानक से वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया ने 35 का रिचार्ज निकाल कर हमको कंफ्यूज कर दिया है कि 35 का रिचार्ज क्या है। एक्चुअल में गाइस, ये 35 का रिचार्ज हमको हर महीने कराना पड़ेगा। अगर हम नहीं कराएंगे तो हमारा सिम बंद हो सकता है। मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे कई बार पूछा है कि ये क्या है। उन लोगों को मैंने भी यही बताया है कि हम 35 का रिचार्ज अगर हम नहीं कराएंगे तो हमारा सिम बंद हो सकता है, क्योंकि कंपनियाँ जानती थी कि हम इनके सिम सिर्फ इनकमिंग के लिए यूज़ करते थे। अब कंपनियों को हमारे पास पैसा लेना था तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना था इनको, इसलिए इन्होंने रास्ता निकाल कर हम 35 का रिचार्ज हर महीने नहीं कराएंगे तो हमारा सिम बंद हो जाएगा। क्योंकि कंपनियों को पता है कि हमारा सिम हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक में लिंक कर रखा है। कंपनियां जानती हैं कि भले ग्राहक जियो यूज़ कर रहे पर हमारी कंपनियों का सिम बंद नहीं होने देंगे, इसलिए कंपनी ने ये रास्ता निकाला है। अगर हम अपना 35 के रिचार्ज का छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैंने अपने फ्रेंड्स को एक टिप्स दिए। अगर आप भी को ये टिप पसंद आए तो आप भी अपना ना टिप्स ये है कि उन लोग को मैंने बताया कि आप 399 का रिचार्ज जियो में हर 3 महीने कराते हो, तो क्यों ना हम आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन को अपना प्रोड करा के जियो करा दे। और जियो हमने प्राइवेट पर्सनल नंबर पर ही हम 399 का रिचार्ज कराए। इसके 3 फायदे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमको 35 का रिचार्ज कराना हर महीने नहीं पड़ेगा, और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमको लाइफ टाइम के लिए हमारा सिम सेफ हो जाएगा। और इसका तीसरा फ़ायदा ये होगा कि हम किसी को पहले जियो से कॉल करते थे, हर कोई जियो नंबर सेव नहीं करता था, कोई फ़ोन उठाता नहीं उठाता था। अब हमारा पर्सनल नंबर से कहीं भी फ़ोन जाएगा तो कोई भी हमारा फ़ोन उठा लेगा। इसके फ़ायदे ये होंगे। इसीलिए गाइस, मैं थंबनेल में लिखा था कि 35 का रिचार्ज बंद इस तरह हुआ कि हम अपने नंबर दूसरी जियो में पोर्ट करवा ले, तो 35 का रिचार्ज हमको रिचार्ज कराना ही नहीं पड़ेगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा। गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, और इसके बाद में घंटी का आइकॉन है उसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलना। मैं से नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके गाइस, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।